कांग्रेस पाटिल संगठन महाराष्ट्र राज्य द्वारा नागपुर स्थित संविधान चौक पर मानधन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इस समय महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल संगठन के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। नागपुर शहर पुलिस बल में लगभग 8000 अधिकारी और कर्मचारी हैं और उनकी न केवल एक विस्तृत चिकित्सा जांच की जा रही है बल्कि प्रत्येक कर्मचारी का विस्तृत मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। इसलिए संबंधित पुलिस अधिकारी या जब कर्मचारी राज्य में कहीं भी बंदोबस्त के लिए जाता है, जब उसके पास स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो, उसे स्वास्थ्य की पूरी जानकारी मिलेगी और एक क्लिक पर इलाज करने वाला पहला प्रयोग है। मैं दीपक पालीवाल, अध्यक्ष पुलिस पाटिल संगठना महाराष्ट्र राज्य। ये आंदोलन गत 21 दिसंबर 2022 को नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन के समय विधान भवन पर हमने भव्य मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे का जो डेपुटेशन गया था डीसीएम से मिलने के लिए, तो निवेदन स्वीकारने के बाद में डीसीएम ने 10 जनवरी 2023 से पहले मीटिंग लगाकर प्रश्नों को हल करने का उन्होंने आश्वासन दिया था, मगर 6 महीने से ऊपर का समय हो गया मगर एक भी मीटिंग लगी नहीं और पुलिस पाटिलों के मानधन में वृद्धि हुई नहीं और उनके प्रश्न भी कोई हल हुए नहीं। इसलिए शासन का, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने आज का एक दिवसीय धरने आंदोलन का कार्यक्रम आज संविधान चौक में 15 जून 2023 को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आगामी ऐसा है कि हम आज़ाद मैदान में बम्बई में हम तीव्र आंदोलन करेंगे और हमारी मांगे यह है कि शासन ने पुलिस पाटिल जो गांव में सब 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए कम से कम उनका जो परिवार का ध्यान रखते हुए शासन ने किमान 15 या 18 की मांग हमारी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 15 भी किए तो भी हमें सफिशेंट है और हमारी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सब मिलके मुंबई में ऐसे धरने आंदोलन करेंगे और हमारे जो अधिकार है वो छीन के लेंगे। अगर अच्छे से नहीं मिले तो हम हमारी मांगे, किमान वेतन कायदा लागू होना चाहिए, नहीं तो हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, ये हमारी मांगे है सभी पुलिस पाटिल की तरफ से। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।